नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सीमा विवाद को लेकर चौतरफा घिरे चीन को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में घेरने के लिए परेड कोठी स्थित होटल ग्रैंड कॉन्टिनेंटल के प्रमुख हरीश नारायण सिंह ने अपने होटल में चाइनीज पर्यटकों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की घोषणा करके मीडिया की सुर्खियां बन गए हैं। क्लाउन टाइम्स ने जब श्री हरीश से सवाल किया कि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव के रूप में सत्कार करने की परंपरा है, ऐसे में आपका निर्णय कहां तक जायज है, साथ ही बनारस के अन्य कितने होटल संचालकों का आपको समर्थन मिला है, देखिए क्या कह रहे हैं हरीश जी। देखिए, चूंकि जो भारतीय संस्कृति है वह अतिथि देव भव जरूर कहता है, लेकिन उस अतिथि के लिए है, वह अतिथि देवता के समान है, जिसका हमारे साथ संवाद अच्छा हो, जिसका हमारे साथ व्यवहार अच्छा हो, जिसका हमारे साथ आचरण अच्छा हो। लेकिन वह अतिथि जो एक दुश्मन के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है, न सिर्फ हमारे सामने प्रकट हुआ है बल्कि आज अगल बगल के देशों को भी वह गुमराह करके हमारे खिलाफ खड़ा कर दे रहा है, और आज हमारे 20 शहीद उसके द्वारा जवान शहीद कर दिए जाते हैं, ऐसे में उसको हम अतिथि का दर्जा दें ये कहीं से स्वीकारोक्ति नहीं है। इसलिए हमारे अपने व्यक्तिगत 3 होटल हैं, हमने अपने तीनों होटल में चाइनीज अतिथियों को बैन कर दिया है। साथ ही साथ हमारी जो मित्र मजारिटी है और जो तमाम हमारे इधर के होटल व्यवसायिक हैं, सबसे हमने बात भी कर रखी है और सब लोग इस पे तैयार हैं। जबकि इसको हमने अपने फेसबुक पे भी डाला और तमाम समर्थक, होटल समर्थक और तमाम लोग जो है, जो इस तरह के लोग हैं, उन लोगों ने उस पे समर्थन दिया और एक अच्छी पहल करते हुए कहा कि हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं। देखिए, भारत सरकार का जो अपना काम है वो काम कर रही है। सरकार किसी को रोक तो सकती नहीं कि नहीं आप हमारे यहाँ मत आओ, जब तक युद्ध की स्थिति न बन जाए या युद्ध न हो जाए अभी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हमारे नौजवानों के साथ किया, हमारे बॉर्डर पे कर रहे हैं, अगल बगल पड़ोसियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो हमारे जैसे जो व्यवसायी हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। हम उन नौजवानों को जिन्होंने शहादत दी, उनको शहादत के रूप में हम उनको क्या दे सकते हैं, हम वो देने का काम कर रहे हैं। हमारी अपनी क्या योगदान हो सकती है उनके प्रति, वह योगदान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। उनके माँ बाप को हम किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, वह श्रद्धांजलि हम यही रोक करके देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में आज इनका व्यापार एकदम से बैठाने के लिए सारे व्यापारी संगठित हो गए हैं, आज पूरा व्यापार, पूरा देश, पूरा नौजवान इस बात के लिए संगठित हो गया है, एक भी चाइना का हम लोग सामान यूज नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे देश के जो सरकारें हैं उनको भी इस पे पहल करनी चाहिए कि हम कैसे, जो आज 2 लाख करोड़ रुपए का हम मोटर का सामान मंगा रहे हैं, मोटर पार्ट्स के सामान मंगा रहे हैं, जबकि मोटर यहीं पे बन रहा है, तो उनका जो पार्ट्स है हम क्यों चाइना से मंगाते हैं, क्यों नहीं उस पार्ट्स को हम अपने यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में लोगों को विकसित करें और उनसे जो है पार्ट्स बनवाएं और वो खुद यहीं पे हम उसको मैन्युफैक्चर करें और उस गाड़ी घोड़ा में लगा लें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, गाड़ी तो हम भारत में बेच रहे हैं लेकिन सारे पार्ट्स विदेश से मंगा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं हमारे हमारी सोच की भी फेलियर है और हमारे तमाम ऐसे लोग जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, अगर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लगे तो बहुत नौजवान रोजगार पा जाएंगे और बेरोजगारी हमारे देश से भी दूर होगी। और जो कमाई हमसे करके चाइना हम लोगों के खिलाफ खड़ा है, जो उसी कमाई से वह आस पड़ोस के लोगों को पैसा देता है और उनको मेरे खिलाफ बरगलाता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सही करता है, और कम से कम जब हम इंडिविजुअल अपने पे तैयार होंगे और अपनी व्यवस्था हम स्वयं करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर चाइना की भी अर्थव्यवस्था टूटेगी और जो आज वो बॉर्डर पे खेल खेल रहा है, निश्चित तौर पर वो खेल भी वो बंद करने काम करेगा। कुल मिलाकर इस तरह की बयानबाजी भले ही मीडिया की सुर्खियां बन सकती हैं, किंतु इस पर अन्य होटल संचालकों का समर्थन मिलना आसान नहीं है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।